हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को अपनी कंपनी की लीगल स्ट्रक्चर को तैयार करना है जब आपको एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठाना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये। देखो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बना लेते हैं, LLP बना लेते हैं, या फिर वो कोई दूसरी तरह की लीगल एंटिटी को फॉर्म कर लेते हैं। अब उनको पता नहीं होता है कि जब इन्वेस्टर से पैसा उठाना होता है ना, तो आपको हमेशा बनानी है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। LLP भी नहीं बनेगी इसके अंदर, क्योंकि ध्यान रखना LLP के अंदर आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आप शेयर इशूज कर सकते हो। देखो, जब इन्वेस्टर कंपनी के अंदर आता है ना, तब वो आपका पार्टनर नहीं बनता, एम्प्लॉय नहीं बनता, बॉस नहीं बनता, वो आपका हिस्सेदार बनता है। तो शेयर्स को इशू करने के लिए जो ऑप्शन दिया गया है, वो इंडिया के अंदर सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ही दिया गया है। इसलिए आपको हमेशा बनानी है प्राइवेट लिमिटेड। तो इस चीज को सबसे पहले क्लियर कर लो, उसके बाद आपको लगेगा प्राइवेट लिमिटेड बनाना भारी काम है, एक्सपेंसिव काम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने सारे स्टार्टअप्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के बैठे हुए, लाखों स्टार्टअप्स हैं इंडिया के अंदर, तो क्या उनके लिए भारी काम है, इतना मुश्किल काम है कि लाखों स्टार्टअप्स कर रहे हैं? बिल्कुल इजी काम है। और साल का रनिंग एक्सपेंस सिर्फ 10,000 रुपये ही आता है, और अगर आप इतना भी मेंटेन नहीं कर सकते हो तो फिर स्टार्टअप का फायदा नहीं है। देखो, आप स्टार्टअप को चला भी नहीं पाओगे अगर जेब में 10,000 रुपये भी नहीं कंपनी चलाने के लिए। और इन्वेस्टर देखेगा कि आपकी कंपनी पैसा डालने से पहले कि आपने प्राइवेट लिमिटेड तो बना रखी नहीं बना रखी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है। उसके बाद वो लेना है आपको ट्रेडमार्क। देखो, ट्रेडमार्क लेना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी होता है, और इन्वेस्टर भी देखता है कि सारे लीगल फॉर्मेलिटी प्रोसेस इस पर्सन ने फिलअप करें या नहीं करें। अगर आप ट्रेडमार्क नहीं लोगे ना, इसका मतलब आपका ब्रांड नेम कोई दूसरी ब्रांड भी यूज़ कर सकती है, तो इन्वेस्टर अपना पैसा डाल के आपकी ब्रांड को बढ़ा के बनाएगा। तो इसलिए सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को करना, ट्रेडमार्क को लेना, IPRs में पैसा इन्वेस्ट करना, इनिशियली आपको ही करना पड़ेगा एंड जरूरी होता है। उसके बाद अब इन्वेस्टर आपकी कंपनी में आ रहा है, तो उसको कुछ शेयर्स इशू करे जाएंगे। अब उसके लिए आपको कंपनी का कराना पड़ेगा वैल्यूएशन। जी हाँ, आपको अपनी प्राइवेट लिमिटेड का वैल्यूएशन कराना पड़ेगा। उस वैल्यूएशन के हिसाब से ही इन्वेस्टर पैसा डाल सकता है, क्योंकि देखिए, अगर इन्वेस्टर आपके स्टार्टअप के अंदर जो कि आइडिया फेज में 50,00,000 रुपये डाल रहा था, किस वैल्यूएशन पर डालेगा, कैसे आपकी कंपनी उसको एक्सेप्ट करिए, उसी के लिए वैल्यूएशन निकाली जाती है। उन वैल्यूएशन के लिए आपके IPRs का यूज़ करा जा सकता है, बिजनेस आइडिया एंड असेट्स का यूज़ करा जा सकता है। इनिशियली कितनी असेट्स है, उनके बेसिस पे इन्वेस्टर पैसा डालेगा एंड कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाएगी। उसके बाद अब देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ऑब्वियसली को फाउंडर्स भी होंगे, तो उसके अंदर आपको कराना पड़ेगा को फाउंडर एग्रीमेंट। जी हाँ, को फाउंडर एग्रीमेंट कराना आज के टाइम में बहुत नेसेसरी है, एंड सारे इन्वेस्टर्स ये एग्रीमेंट देखते हैं। देखिए, housing.com बहुत फेमस कंपनी थी, 17 को फाउंडर थे, बट एक भी को फाउंडर एग्रीमेंट नहीं था। अल्टीमेटली सारे को फाउंडर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया, एक एक को फाउंडर कंपनी छोड़ता गया, और अल्टीमेटली स्टार्टअप डूब गया, इन्वेस्टर का पैसा चला गया। तो इसलिए को फाउंडर एग्रीमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके स्टार्टअप में बहुत सारे को फाउंडर्स हैं, और इनिशियली अगर दो भी है ना, तो को फाउंडर बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद इन्वेस्टर भी आपके साथ एक एग्रीमेंट करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपकी कंपनी डूब गई ना, तो सबसे पहले इन्वेस्टर बैकआउट करेगा, मतलब जो असेट्स बेच के पैसा आएगा ना, उससे सबसे पहले इन्वेस्टर का पैसा निकलेगा, ना कि आपका। अगर कंपनी में उसके बाद कुछ पैसा बचा तो आपको मिलेगा, नहीं तो सबसे पहले इन्वेस्टर बैकआउट मार जाएगा पैसे के साथ, जिससे एटलीस्ट उसका तो नुकसान नहीं हो। तो ये सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती है, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, एंड ये पूरी लीगल स्ट्रक्चर होती है जो तैयार करी जाती है जब इन्वेस्टर आपकी कंपनी में आता है और पैसे डालता है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, काफ़ी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, सुझाव हैं, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर हमें आपसे पूछिए, मेरी लीगल टीम आपको हर चीज़ का आंसर करेगी, जिससे आप लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।